जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम सर। सर मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम मनोज पाठक, मेजा प्रयागराज उत्तर प्रदेश। हमारे अपलायन इंजीनियर अपने द्विवेदी जी, मिस्टर विजय पांडे सर। ये महान हस्ती हमारे साथ में काम करने वाले जो हस्तियां हैं, जिस तरीके से डीएल तिवारी सर और अनिल विश्वकर्मा सर, सुरेश चंद्र पटेल सर और विकास सर, रत्नेश सर और हमारे जितने भी साथी हैं, उनके साथ में हमें सौभाग्य, यानी भाग्य नहीं सौभाग्य मिला है, उनके साथ हमें काम करने का मौका मिला है सर। तो इसलिए हम बहुत बहुत आभारी हूँ आपका और आपकी पूरी टीम का सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर दिया सर। जी सर, जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर अपना परिचय दीजिए और परिचय के साथ साथ सर हम कुछ आपसे जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लीडर हमसे कभी कभी पूछते हैं। तो आप इस बिजनेस के बहुत महान लीडर हैं सर, भविष्य के डायमंड हैं, तो हमें जानकारी है कि आपसे कुछ हमें सवाल जवाब मिल सकता है सर, इसलिए अपना परिचय के साथ सर हमारे सवालों का कुछ जवाब दीजिए सर। जी सर, जी सर, बहुत बहुत पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं प्रणाम करता हूँ आपको और अपनी पूरी टीम को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। मेरा नाम डीएल तिवारी है और रिटायरमेंट आर्मी से हूँ और सतना जिले के एक छोटे से गांव कठामा ग्राव से बिलोंग करता हूँ सर। जी सर प्लीज। जी सर, जी सर। सर हम ट्रेडिशनल मार्केट में अभी तक चल रहे थे और उसमें हम नहीं, हमारे दादा पर दादा की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल मार्केट में ही चल रहे थे। जब से हमारे गुरु विकास सर ने हमें एक प्लेटफार्म मिला, उस प्लेटफार्म पे जब जिस तरह हमें आने के बाद काम करना चालू किए सर, तो हमें कुछ दिक्कत आती है। जिस तरीके से मार्केट में फील्ड में निकलता हूँ तो कुछ दिक्कत आती है कि आरसीएम के बारे में अगर हम लोगों को बताता हूँ, आरसीएम के बारे में अगर हम लोगों को बताता हूँ तो लोग हमें कहते हैं मैं जानता हूँ, लोग कहते हैं हम जानता हूँ। तो सर इसमें जब हम वो जानते हैं फिर भी वो काम नहीं कर रहे हैं, तो हमें कुछ ऐसी आप संशोधन कीजिए सर कि हम उनको क्या कह सकूं कि आप जानते हैं तो हम फिर करते क्यों नहीं। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर। आपने निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया है, मैं बताने का प्रयास करूंगा सर। सर आप कभी भी किसी भी व्यक्ति से यदि बात करते हैं तो वो व्यक्ति यदि बोलते हैं कि भाई हमको तो खूब तैरना आता है लेकिन मैं नदी को, भरी हुई नदी को तैर सकता हूँ, तो बोलेगा तो मैं समुद्र को तैर सकता हूँ, मेरे को पता है नदी तो, नदी में तो इतना गहरा पानी रहता है लेकिन मैं समुद्र को तैर सकता हूँ। लेकिन यदि उस व्यक्ति को नदी के किनारे ले जाया जाए और बोला जाए कि भैया इसको तू छलांग मार के पार कर दे, तो वो नदी में कदम नहीं रखेगा क्योंकि उसको तैरना नहीं, नदी के बारे में उसने सुना है लेकिन नदी में कभी तैरा नहीं है। इसी तरह वो आरसीएम का नाम सुना है, आरसीएम के प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता है, आरसीएम के बिजनेस के बारे में नहीं जानता है और आरसीएम के नेटवर्क के बारे में नहीं जानता है, इसकी क्या ताकत है? सर मैं आपको इसकी ताकत को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि समझ लीजिए, आपको एक व्यक्ति दे दिया जाए और चार व्यक्ति दे दिए जाए मान लीजिए आपको, और एक कुल्हाड़ी में बिना धार लगी हुई कुल्हाड़ी दे दी जाए और बोले कि तुम इस पेड़ को 8 घंटे में काट दो, वो शायद नहीं काट पाएंगे। और वहीं पर एक व्यक्ति को आप दो, यदि वो उसके बारे में पेड़ को काटना जानता है तो 4 घंटे कुल्हाड़ी में धार लगाएगा और फिर पेड़ को काटना शुरू कर गया, अगले 4 घंटे में पेड़ को काट देगा। कहने का मतलब यह है कि जो आदमी आरसीएम को नाम से जानता है लेकिन उसको उसके बारे में नहीं जानता है, वो निश्चित ही आपको इस तरह के बातों को बोलेगा, मैंने बहुत किया है, मैं करके छोड़ दिया हूं, इसमें कुछ नहीं आता, ऐसे लोग मतलब बातें करेंगे क्योंकि उनको असलियत में इसकी नेटवर्क की ताकत के बारे में कुछ भी पता नहीं है सर। जी सर, बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सर इसी तरीके से हम लोगों को आदमी किसी आम आदमी के पास जाते हैं तो हमें ऐसा उनके साथ बताना चाहिए, ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी सर। उसी तरीके से सर अगर हम इस आरसीएम में जुड़ गए हैं, अब मान लीजिए हम किसी को जोड़ भी दिए हैं, वो एक महीना दो महीना सामान लिए, उसके बाद फिर से वो भूल करके फिर चले गए कहाँ, ट्रेडिशनल मार्केट में, तो उसमें हम ऐसा क्या कहें उनसे, हम किस तरीके से उनका वो उनके साथ में लगे कि वो फिर से अपने बिजनेस में करते रहे। करेंगे तो अपने लिए करेंगे, ये हमें मालूम है, आपको भी मालूम है, सबको मालूम है, लेकिन हम अगर उनको एक महीना दो महीना काम किए उसके बाद वो फिर से वापस चले गए ट्रेडिशनल मार्केट में, तो हम उनसे ऐसी कौन सी बात में बात से उनको संबोधित करें कि वो फिर से वापस हमारे अपने बिजनेस में चालू करें। तो सर जी सर सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। निश्चित ही ये क्वेश्चन और भी महत्वपूर्ण है, और वास्तव में हमारे बिजनेस के 50% लोग ऐसा करते हैं, और करने का कारण अधूरा ज्ञान, अधूरी जानकारी। जैसे घड़े में यदि आप आधा पानी भर दें और चलने लगे तो उछल उछल के बाहर जाता है, या कि घड़े में पानी ना हो या कि घड़ा भरा हो, तो कभी भी वो व्यक्ति आपको इस तरह की बात नहीं करेगा। पहली बात तो क्या है, उसको शायद प्रोडक्टों के बारे में भरपूर जानकारी नहीं मिल पाई, या उसको इस बिजनेस के ताकत के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई, कहीं ना कहीं उसमें हम लोगों की ही कमी है, जो हम लोग उनको उस मुकाम तक नहीं पहुंचा पाते हैं जिसका वादा करके हम उनको जोड़ते हैं कि सर इसमें पैसा आएगा। तो जब तक उसको आप उससे पैसा नहीं दिला देते हो, उसको पैसा नहीं मिलता है, यदि पैसा बता के, यदि प्रोडक्ट बता करके, तो उसको सारे प्रोडक्टों के बारे में जानकारी दे करके और इस्तेमाल करना नहीं सिखा देते हैं, तब तक हर व्यक्ति उसको, क्योंकि आरसीएम में दूसरों से बात करनी पड़ेगी सर, दूसरे के पास जाना पड़ेगा, दूसरा मना करेगा, कहीं बोले अरे आरसीएम अच्छा इस लफड़े में पड़ गए क्या, आप भी फंस गए क्या, ऐसे लोगों की धारणा रहती है। वो क्या है, जैसे एक कहावत है ना, बोला कि वो कान ले गया कान ले गया, तो क्या है, कान को नहीं चेक करता कि मेरा कान है कि नहीं है, वो कौवे के पीछे भाग देता है। इसी तरह क्या है, ट्रेडिशनल मार्केट में कुछ नहीं करना पड़ा, पैसा दिया भाई 100 रुपए है मेरे को ये सामान दे दो, उसने दिया, बैग में डाला, ना तो उसने रेट पूछा, ना उसका कोई भी चीज को बताया कि ये सही है गलत है कैसी है, उसने लिया और चलाया, कभी नहीं पूछता वो बनिया से जहां से सामान लेता हो, कभी भी रेट नहीं पूछता, उसकी क्वालिटी के बारे में नहीं जानता, किसी भी तरह का उसको कोई ज्ञान नहीं है, तो क्या करता, थैले में भर करके ले आता है। और आरसीएम में क्या है कि मैं आपके पास जाऊंगा, पाठक सर ये मैं बिजनेस कर रहा हूँ, इसमें पैसे आते हैं, बहुत सारे पैसे आते हैं, मेरा प्रोडक्ट ये ग्रेड वन का है, ये इसकी क्वालिटी ये है, आपके लगाने से आपकी सेहत ठीक रहेगी, हम उसकी बीमारियों को दूर करने के लिए बताते हैं, वो इतनी आसानी से कैसे विश्वास कर लेगा हमारे ऊपर। तो वो हमेशा से जो काम किया है आसानी से काम किया, पैसा दो काम खत्म, और इसमें क्या, पैसा दो खाओ तो सेहत बनेगी और उसके बाद इनकम भी आएगी, उसको हजम ही नहीं होती ये बात सर, वो क्यों करेगा। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी सर आपका। और सर हम जिस तरीके से नेटवर्क मार्केट में काम तो कर रहे हैं और अपना नेटवर्क बनाने के लिए हम लोगों से बात तो करते हैं, बात लोगों से हम करते हैं, फिर भी सर कभी कभी हम ऑटोमेटिक अपने आप को, जैसे मान लीजिए कि हम एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं कि हम आपसे बात किया, आप हमारे आरसीएम में नहीं जुड़े हैं, मान लीजिए इस समय एक उदाहरण, आप आरसीएम में नहीं जुड़े हैं, मैं आपसे बात किया कि डियर सर आप को मैं एक अपने कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता हूँ, ऐसी ऐसी बात है, जिस तरीके से होता है, लेकिन सर अगर वो भी उस समय उसमें नहीं तैयार होते हैं तो अपना दिल क्या होता है, छोटा हो जाता है, कि छोटा ऐसे हो जाता है कि हमें से दो आदमी से तीन आदमी से बताया कि सर मेरे साथ में मैं ऐसा काम कर रहा हूं, मेरे साथ में आप भी आइए और काम कीजिए,
और एक बार दो बार तीन बार बताने पे भी नहीं आते हैं, तो अपना दिल ऐसा छोटा हो जाता है कि यार कितना हम कितनी बार इनसे कहते रहेंगे, तो हमारा इसमें नेटवर्क तो नहीं बनेगा। तो हमें इसमें ऐसा सिस्टम कुछ आपके बारे में बताना बताइए सर, कि जिस तरीके से हम उनको बताएं एक बार दो बार, तो उनको ऐसा उनको भी फील हो कि नहीं ये बिजनेस कैसा है, उसमें जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए सर। तो हमारा कहने का मतलब ये है सर कि हम लोगों से बताते तो हैं, बताते हैं कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट के साथ साथ हम मतलब उनके कंपनी का इतिहास भी बता देते हैं, लेकिन फिर भी वो तैयार हाँ ठीक है ऐसा करके हटा देते हैं, और क्योंकि खाना तो खा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं फिर भी वो तैयार नहीं होते हैं। तो इसके लिए अगर आप कुछ हमें बताएंगे सर दो शब्द तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ हम, मेरा दिल टूट जाता है उस तरीके से टूटता है कि मान लो हमने उनको बताया वो कहे हाँ ठीक है दो दिन चार दिन बताते रह गया फिर भी हाँ ठीक है, तो भी लगता है यार क्या है, वो भी रोज इनके साथ चल रहा हूँ, अगर दूसरे पास जाऊंगा वो भी यही बोलेगा। तो ऐसा कुछ हमें मतलब करना चाहिए कि हमारा दिल जो है मोटी मतलब निगेटिव ना सोचे सर। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार, आपने निश्चित ही बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन किया है, मैं निश्चित ही इसको गहराई से बताने का प्रयास करूंगा। सर जब से मैं इस नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हूं तब से हमारे गुरुओं ने बोला है 100 को बताएंगे तो 10 आएगा, 10 में 2 काम करेगा, 8 खरीदारी करेगा। तो आप 100 को बताएंगे तो 100 तो नहीं आने वाले, ये तो सत्य बात है, अगर 100 में 100 आ जाएंगे सर तो आपका घर कौन बनाएगा, आपकी खेती कौन करेगा, पानी कौन लगाएगा, ये सारे काम करने वाले भी तो कुछ लोग होने चाहिए मना करने वाले, यदि सभी आ जाएंगे तो फिर काम ये संसार का काम बंद हो जाएगा सर। इसमें वही भाग्यशाली आएगा जो नौकर नहीं मालिक बनना चाहता है, उसको नौकर नहीं बनना है वो मालिक बनना चाहता है, इसलिए इस बिजनेस को 100% लोग जो अगर कर लेंगे सर तो हम लोग भी तो उनके बराबर ही रहेंगे ना, तो हमारा और उनका कहाँ मुकाबला होगा सर। हमको तो मालिक बनने का एक जुनून छाया हो कि हम मालिक बने, हम मालिक बनने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सोच नौकर की है, वो मजदूरी की है, तो वो उससे नहीं हटेंगे सर, क्योंकि उनको मालिक समझ में नहीं आता, वो जब तक उनको दूसरा बोलेगा नहीं ये काम कर तब तक वो काम नहीं करेगा, ये उसको हर चीज में उसके ऊपर एक सुपरविजन करने वाला व्यक्ति चाहिए, तो वो मालिक की सपना कैसे सोच सकता है सर, कभी नहीं आएगा सर। वही आएगा जो मालिक बनना चाहता, और जो मालिक बनना चाहता है वो आपके एक आदमी मिलेगा वो 100 के बराबर होगा सर। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी सर, आपको प्रणाम करता हूँ, आपने हमारे जो मन की शंकाएं थी वो दूर हुई, क्योंकि हमें इसमें अगर हम आपसे बताए आप नहीं तैयार हुए तो हमारा दिल नहीं छोटा होना चाहिए, हम उनके साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए, एक नहीं दूसरा, दूसरा नहीं तीसरा, इस सिस्टम में चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर लोग हमें ऐसे भी कह देते हैं कभी कभी, इसमें क्या है सर, हमको बताना सभी को चाहिए, आ गए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, गुड सर, उसके पीछे लगे रहने में अपना टाइम वेस्टेज नहीं करना चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हम मान लीजिए लोग हम ऐसे कहते हैं कि जब हमें हर चीज आसानी से बाजार में मिल जाता है, आसानी से बाजार में मिल जाता है, घर के नजदीक मिल जाता है, तो हम आरसीएम ही क्यों करें, क्यों नेटवर्क मार्केटिंग करें, ऐसा क्या हमें देता है। ऐसा लोग हमें बोलते हैं कि मालूम बताया, बोले नहीं यार मेरा बहुत ठीक ठाक चल रहा है और हमें सब कुछ सही ठीक है और मैं क्यों आरसीएम में फंसूं यार, ऐसा क्यों मतलब। तो हम उनको बोलते हैं कि हमारा आरसीएम ये देता है सर, तो हमें सर बताइए उनको कि क्या क्या देता है, जब उनको बोलूं कि वो बोलते हैं नहीं हम क्यों करूं, सामान तो मिल जाता है तो हम क्यों करूं इसको। जी सर तो हमें क्या क्या देता है सर और क्यों करूं सर। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप निश्चित ही आज पूरे क्वेश्चन हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से और हमारी टीम को
फुल मोटिवेट होने वाले क्वेश्चन हैं और शायद ही आज के क्वेश्चन और आंसर को सुनकर के और हमारी टीम काफी आगे बढ़ने का प्रयास करेगी सर। सर क्योंकि हम 8 घंटे करके और 8 घंटे करने की सोचते हैं वह टाइम है ना, हमको हमको यदि शादी में जाना है, कहीं किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, कुछ भी जाना है, तो उसके पास में जाने के लिए वो बोले अरे मैं तो ड्यूटी जाने वाला हूँ, वो अपना टाइम को जब तक उसके 8 घंटा पूरे नहीं होंगे तो कहीं जा नहीं सकता, उसका एक बंधा हुआ टाइम है, उस टाइम पर जाएगा, उसी टाइम पर आएगा, वो उस बंधन में है। लेकिन हमारे इस खूबसूरत बिजनेस में जो आ गया उसको मनी फ्रीडम, टाइम फ्रीडम और मतलब देश दुनिया में सम्मान, ऐसी सारी चीजें उसको मिलती हैं, शुद्ध सामान, 100% शुद्ध सामान मिलता है, उससे मिलने वाली इनकम, जो हर तरह की आजादी, मतलब बोलते हैं कि जिसके पास पैसा होता है तो 99% प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व होती है, 1% जो प्रॉब्लम होती है वो आदमी के मेल जोल और अपने परिवार के साथ में सॉल्व होती है। तो निश्चित ही सर उसको यदि वो बिजनेस करता है तो उसको क्या है, सबसे पहले पैसा चाहिए, तो शुरू में नहीं आता है, उनको समझाने की जरूरत है कि हमको 5 साल एक आम का पेड़ लगाना है, 5 साल तक उसकी सेवा करनी है, इसके बाद फिर वो फल देना शुरू करेगा। हमको यदि हम गेहूं की खेती लगाएंगे 3 महीने में लगा दिए और उसको काट लिए और अपने घर में रख लिए और खाए, फिर हमको अगले 6 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा, फिर उसको बोएंगे फिर खाएंगे। लेकिन आम में हम 5 साल अपने खपा दिए तो वो हर साल जब उसका सीजन आएगा तो आपको कंटिन्यू फल देगा सर, बिना मेहनत किए हुए फल देगा। तो हमको इजिली इस बिजनेस में आना चाहिए। और आप जब तक नौकरी करेंगे तब तक आपको पैसा है, आप एक दिन ड्यूटी नहीं करेंगे उस दिन का आपको पैसा नहीं मिलेगा। मैं अभी अपने घर से यहाँ पर आया हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपके सामने टाइम दे रहा हूँ, तो सर ये टाइम देने का भी पैसा हमको आरसीएम देता है। हर टाइम हम नहीं करेंगे, आप कर रहे हैं तब भी हमारी इनकम को आप बढ़ा रहे हैं सर, दूसरा जो हमारे हमारे साथी है वो काम कर रहे हैं तब भी इनकम को बढ़ाता है। इस तरह का आपको कोई ऐसी संस्था नहीं है सर कि आप बिना ड्यूटी की किए हुए भी पैसा कमा लो और किसी से बात करते हुए पैसा कमा लो, सामान खा के पैसा कमा लो, ऐसी कौन सी संस्था है सर जो आपको इतना बढ़िया देगी, सभी लोगों को नहीं समझ में आएगा सर। और निश्चित ही इसमें बहुत भाग्यशाली मनुष्य होते हैं जो अपना तकदीर को बदलने की सोचते हैं, वही आगे। सर आपका माइक खुला हुआ है, प्लीज सर। अनिल सर, जी 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 मनोज सर प्लीज। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर हम एक लास्ट क्वेश्चन आपसे बात करना चाहते हैं, उसके बाद फिर आप को बहुत हमें संबोधित किया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है सर एक में कि आरसीएम में सपनों को साकार करने के लिए, आरसीएम में सपनों को साकार करने के लिए किस नियम का पालन करना चाहिए सर? जब हम इस आरसीएम में जुड़ गए हैं तो हमारा जो इसका सपना है उसको हम मतलब जो सपना देखा हूं उसको मुझे साकार करना है, मतलब उसको मुझे हासिल करना है, तो उसमें हमें किस नियम का पालन करना चाहिए सर? जी सर। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, निश्चित ही बहुत ही सुंदर सवाल है सर। सपने आप दिन में देखते हैं या रात में देखते हैं सर, पहले तो हमें ये बताइए आप। सर हम कभी कभी तो दिन में ही देखता रहता हूँ, दिन में देखता हूँ, फिर रात को भी वही सपना देखता हूँ और हरदम निरंतर लगा रहता हूँ कि हमें मतलब हमें जी सर दिन के देखे हुए सपने सर हमेशा साकार होते हैं, रात के देखे हुए सपने सुबह उठने के बाद में आदमी को याद भी नहीं रहता कि हमने रात में क्या सपना देखा, कोई एक आधा व्यक्ति होगा जिसको याद रहता होगा, लेकिन दिन में देखे हुए सपने हमेशा साकार होते हैं सर। आपके सपनों को साकार होने के लिए
लोगों से मेल जोल बढ़ाने की आवश्यकता है, लोगों के साथ में संपर्क बनाए रखने की आवश्यकता है, लोगों को झूठ ना बोलना, हमेशा सच्चाई का साथ देना, सच्चा रहना, कोई भी चीज आप बोले उसको सच्चाई के साथ बोले, वो आपका सदैव सम्मान करेगा और वो आपके साथ में आएगा, आपकी टीम का हिस्सा बनेगा और वो व्यक्ति आपको सपने साकार करने में मदद करेगा, आपकी एक एक सपनों को वो व्यक्ति पूरा करेगा जिस व्यक्ति को आप बिल्कुल पहचानते नहीं हैं, सिर्फ आप उससे मिले हैं और उसको उसके साथ में अच्छा मित्रवत, उसकी प्रशंसा की, बढ़ाई करना और लोगों से बस संबंध बनाए रखना। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का हो, कोई गोरा हो, काला हो, लाल हो, पीला हो, जैसा भी हो, हमको उससे संपर्क बनाए रखना है। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मेरे पास अपने स्वार्थ से आया हुआ है, हमारा स्वार्थ उसको कहीं भी दिखाई नहीं देना चाहिए, बल्कि उसका फायदा हम उसको क्या फायदे दे सकते हैं, वो यदि फायदे के बारे में बताएंगे तो कोई भी व्यक्ति अपना फायदा चाहता है, आपका फायदा कोई नहीं चाहता, मेरा फायदा कोई नहीं चाहता, लेकिन आप बोलेंगे तिवारी सर मैं आपको बड़े फायदे की चीज आपको बता रहा हूं, आप जो अगर इस चीज को मान गए तो आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला, तो मैं रात भर, मेरे को नींद नहीं आएगी सर, फायदा मत बताओ, नहीं बताओगे ना तो मेरे को रात भर नींद नहीं आएगी, मनोज सर ने मेरे को एक फायदे की चीज बताने के लिए बोला लेकिन बताए नहीं, अब कल जाऊंगा तो मैं मिलूंगा सर, वो फायदा बता दो क्या है, वो आपसे फायदे का, और वो फायदा जब आप बताओगे तब आपके सपने 100% मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ 100% आपके पूरे सपने जो आप देखना चाहते हैं, जो इस जिंदगी में आपने सोचा है वो सपना पूरा होगा सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर तिवारी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और आज हमने अटेंडम, मुझे ऐसा लगा कि तिवारी सर आज हमारे साथ में बात करने के लिए मिलेंगे, तो हम अपने जो दिल में विचार थे हमारे सर, हमने उसको प्रकट करने का प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारे विचार थे उस विचारों को आपने अच्छी तरह से मुझे बताया सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे बीच में इस समय इंद्रजीत शुक्ला सर हैं, इंद्रजीत शुक्ला सर आएंगे और आज की मीटिंग के साथ साथ कुछ बात रखेंगे सर।